आप सबको मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप देख रहे हैं संत धारा के वीडियोस और कहानी चल रही है संत बहनाबाई की। संत धारा के वीडियो श्री जनार्दन राव द्वारा संकलित स्क्रिप्ट और उनके द्वारा कई स्रोतों से एकत्र किए गए संकलन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि बहनाबाई ने कम उम्र से ही भगवान के नामों का पाठ करना शुरू कर दिया था। उन्होंने भगवान विठोबा के दर्शन किए थे और भगवान विठोबा की मूर्ति पर मोहित हो गई थी और उनके द्वारा गाए गए अभंगों को सुनकर रोमांचित हो गई। उन्होंने अपनी अचेत अवस्था में ज्ञान का अनुभव किया था और भगवान विठ्ठल को देखा था। उन्होंने संत तुकाराम को भी देखा था। वो भगवान विठ्ठल की भक्त बन गई। बहनाबाई के पति ने हालांकि ये कहकर उन्हें मना कर दिया कि एक ब्राह्मण होने के नाते उन्हें निचली जाति के शुद्ध तुकाराम की बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन वो अड़ी रही और तुकाराम को ही अपना गुरु मानती थी। पूरा परिवार तुकाराम के स्थान देहू में रहने के लिए चला गया। और अब सुनते हैं आगे की कहानी। देहू में वे जिस इलाके में रहना चाहते थे वहाँ मम्मा जी नाम का एक व्यक्ति अपने शिष्यों के साथ एक मठ में रहता था, लेकिन मम्मा जी ने बहनाबाई के परिवार को वहाँ प्रवेश से इनकार कर दिया क्योंकि बहनाबाई तुकाराम की भक्त थी जो एक निचली जाति के थे और मम्मा जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन इस बार बहनाबाई के पति रत्नाकर ने अपनी पत्नी का साथ दिया और उन्हें तुकाराम द्वारा एक मंदिर में रहने की जगह दी। यहाँ वे नियमित रूप से तुकाराम के अभंगों और कीर्तनों को दिन रात सुनती थी और खुद को सबसे भाग्यशाली मानती थी। तभी से रत्नाकर भी तुकाराम के भक्त हो गए। बहनाबाई और रत्नाकर मंदिर के परिसर में काफी खुशी से रहते थे, लेकिन मम्मा जी उनके लिए समस्याएं पैदा करना चाहता था। बहनाबाई कोल्हापुर से अपने साथ एक गाय लाई थी और मम्मा जी ने इस गाय को चुरा लिया और उसे खम्भे से बांध दिया। उसने गाय का भोजन और उसका पानी बंद कर दिया और उसकी गाय की अधाधुन पिटाई भी करता रहा। जब बहनाबाई ने गाय के गुम होने के बारे में तुकाराम को बताया तो तुकाराम ने भगवान से गाय की रिहाई के लिए प्रार्थना की। यह भी देखा गया कि तुकाराम की पीठ पर गाय की शरीर की पिटाई के निशान दिखाई दे रहे थे। हाँ, मुंबा जी को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वो बहनाबाई का अनुयायी बन गया। देहू में बहनाबाई ने महसूस किया कि घरेलू सुख के बावजूद उन्हें अपने पति की कर्तव्य परायणता की सेवा करनी चाहिए। इस समय उन्होंने निम्नलिखित अभंग लिखा। मैं अपने पति की सेवा करूंगी, वो मेरा भगवान है, मेरे पति मेरे गुरु हैं, मेरा जीवन मेरे पति का है, मेरे पति मेरे हृदय का सच्चा संकल्प है। यदि मेरा पति या मेरे पति संसार त्याग कर चले जाएं, तो पांडुरंग पुरुषों के बीच रहने से मुझे क्या लाभ होगा। मेरे पति आत्मा है, मैं शरीर हूं, मेरे पति पानी है और मैं इसमें एक मछली हूं, मैं बिना उनके कैसे जीवित रह सकती हूं। मुझे विश्वास है कि पत्थर के विठ्ठल और स्वप्न संत तुकाराम मुझे इस खुशी से वंचित नहीं करेंगे। अधिकांश महिला संत के विपरीत जिन्होंने कभी शादी नहीं की या भगवान के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, बहनाबाई अपने पूरे जीवन में विवाहित रही। कुछ दिनों बाद बहनाबाई का परिवार देहू से शिरूर चला गया, जहां बहनाबाई ने कुछ समय के लिए मौन व्रत धारण किया। ध्यान के अंत में उन्हें ऐसा लगा जैसे तुकाराम ने स्वयं उनके सिर पर हाथ रखा हो, उन्हें आशीर्वाद दिया हो और उन्हें अभंग की रचना करने के लिए कहा। यह उनके लिए एक पारलौकिक घटना थी। वो प्रसन्न होकर नदी में स्नान करने गई और बाहर आते ही उनके मुख से शब्द प्रवाहित होने लगे। तुकाराम के आशीर्वाद से उन्हें भक्ति गीतों की रचना करने की पूरी प्रेरणा मिली। उन्होंने आध्यात्मिक विषयों पर भी अभंगों की रचना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी आत्मकथा या बहनाबाई गाथा में एक बछड़े के साथ अपने आध्यात्मिक अनुभवों और वारकरी के संरक्षक देवता विठोबा और संत तुकाराम के दर्शन का वर्णन किया है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने न केवल अपने वर्तमान जन्म बल्कि पिछले 12 जन्मों का भी वर्णन किया है। पुस्तक में 473 श्लोक हैं और इनमें से पहले 78 श्लोक उनके जीवन का वर्णन करते हैं। मराठी में लिखी गई बहनाबाई की अभंग रचनाएं उनके परेशान वैवाहिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें एक महिला के रूप में जन्म लेने का पछतावा है। बहनाबाई हमेशा अपने पति के प्रति अपने कर्तव्यों और भगवान विठोबा के प्रति अपनी भक्ति के बीच बंटी हुई थी। बहनाबाई ने अपनी आत्मकथा के अलावा अभंगों की रचना की जो भगवान विठोबा और अन्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों की महिमा से संबंधित है। उन्होंने अपने अभंगों में अपने पति के प्रति अपने कर्तव्य और भगवान के प्रति अपने गहन भक्ति के बीच संघर्ष को व्यक्त किया था। उन्होंने अपने पति की शत्रुतापूर्ण और हानिकारक भावनाओं को भी बड़ी सहानुभूति के साथ चित्रित किया है।
उनकी रचनाओं में प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में बताया गया है। अपने स्वयं के जीवन में उन्होंने इन दो घटनाओं को संतुलित करने की कोशिश की, प्रवृत्ति एक गुणी पत्नी के कर्तव्य की और निवृत्ति संसार के त्याग की। उन्होंने महसूस किया कि एक महिला होने के नाते उन्हें पुरुष प्रधान ब्राह्मण समुदाय द्वारा वेदों, पवित्र मंत्रों और पवित्र ग्रंथों में निहित ज्ञान तक पहुंचने के अधिकार से वंचित किया गया था। उनके अभंग कहते हैं, वेद बुला रहे हैं, पुराण पुकार रहे हैं, मगर महिलाओं के लिए कुछ भी अच्छा नहीं। मैं एक महिला के शरीर के साथ पैदा हुई हूँ, मैं सत्य को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? महिला मूर्ख हैं, मोहिक हैं और धोखेबाज हैं। एक महिला के साथ कोई भी संबंध विनाशकारी है। बहना कहती हैं, अगर किसी महिला का शरीर इतना हानिकारक है तो इस संसार में उसे जन्म ही क्यों दिया? वो कैसे पहुंचेगी भगवान तक? उन दिनों एक महिला के बारे में उनके विचार इस प्रकार हैं, एक महिला का शरीर किसी और के द्वारा नियंत्रित शरीर है, इसलिए उसके लिए त्याग का मार्ग खुला ही नहीं है। उनका विचार 17वीं शताब्दी की भारतीय महिला की सामाजिक स्थिति पर आधारित है, जिसका अपने पति के अलावा कोई अस्तित्व ही नहीं माना जाता था। तुकाराम की मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने देहू का पुनः दौरा किया और 18 दिनों तक उपवास किया, जहां किंवदंती के अनुसार उन्हें फिर से तुकाराम के दर्शन हुए। इसके बाद उन्होंने संत रामदास से मुलाकात की और 1681 में उनकी मृत्यु के तक उनके साथ रहे। बाद में वो शिरूर लौट आई। वो 72 वर्ष की आयु तक जीवित रहीं और 1700 में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वो अपनी मृत्यु के समय को पहले से जानती थी। उन्होंने अपने शिष्यों को भी दीक्षा दी थी और पंचकरण महावाक्य के लेखक दीना कवि उनके शिष्यों में से एक थे। उनका पुत्र विठोबा भविष्य में उन्हीं की तरह एक महान कवि और कीर्तनकार बना। अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने अपने बेटे विठोबा से कहा कि वह उनके पिछले 12 जन्मों में उनका बेटा था और उनके वर्तमान 13वें जन्म में भी, जिसे वह अपना मानती थी, उसमें भी जन्म विठोबा ने लिया। इसके अलावा उन्होंने अपने पिछले 12 जन्मों की कहानी सुनाई, जिसका उल्लेख उनकी आत्मकथा में किया गया है। वो एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी और भगवान विठोबा की कट्टर भक्त थी। वो एक संत बन गई और भगवान विठोबा के चरणों में धन्य हो गई। शंखनादो शंख की गूंज कह रही है कि संत बहनाबाई के इस कथा को अब देना होगा पूर्ण विराम। अगले हफ्ते से शुरू होगा एक नया धारावाहिक, जिसकी कहानियों से मिलेगी एक अनोखी सीख, जो भरेगा गागर में सागर और करेगा आपका मन उजागर। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ विश्व शांति दर्शन।